असल वरह वक़ात मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई यासिर मलूक अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे सेहतमंद होंगे अल्लाह जला जलालू जल आप सबको खुश और सेहतमंद रखे और अल्लाह जला जलालू जल जल आप सब की सारी शर हाजत और जायज़ ख्वाहिशा अपने ग़ैब के ख़जाना से पूरा फरमाए और अल्लाह जला जलालू जल 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 आप सबकी हफाजत फरमाए हर किस्म की बीमारी से हादिसा से मुकदमात से और हर किस्म की परेशानियों से अल्लाह आपकी हिफाज़त फरमाए मेरे भाई जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये जो सिलसिला है फ़जाइल रमज़ान का शुरू है आज इन शाह फ़जायल शब कदर में से हदीस नंबर सात जो दूसरी फसल की आखिरी हदीस है इस पर यह फ़सल ख़त्म होती है और इन शाला उसके बाद फिर फ़जाइल एहतिक शुरू होगा वो भी इन शाला कोशिश करेंगे कि दो दिन में हम ख़त्म कर लें ताकि फिर रमज़ान मुबारक भी जो है ना वो ख़त्म को है अल्लाह अल्ला जलेजलु जल से दुआ है कि मुझे और आपको और सारे मुसलमानों को अल्लाह अला जलेजाल रमज़ान मुबारक की बरक़ात और नसीब फरमाएँ और मेरे भाइयों आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो यूट्यूब पर नए हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें अगर मुझसे कोई गलती कोदाई हो रही हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जो है ना मैंशन करें ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूँ और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अगर मैं खुद अमल ना कर सका मेरी वजह से कोई और अमल जिस किसी और ने अमल कर लिया तो उसके बक़दर अजर, अजर अल्ला जलाजलाु जल मुझे अता फ़रमाएंगे और ये आ, जाहरी बात है कि इंसान हर अदीस पर अमल नहीं कर सकता लेकिन अगर दूसरों तक हमने पहुँचा दिया तो किसी और ने उस अदीस परमल कर लिया उसके बकदर अजर, अजर अल्ला जलाजलाू जल मेरे अमल नामे में दर्ज फरमा देंगे तो चलें हदीस शुरू करते हैं सातवीं हदीस बिसमिल्लर हज़रत आयशा रजी अल्लाह ने हज़ूर सल्ला वसल्लम से पूछा कि या रसूल्ला अगर मुझे शब कदर का पता चल जाए तो क्या दुआ मांगूँ हजूर वसल्लम ने अल्ला का अफ़ून तो हब्बुलफ़न्नी दुआ बतलाई जिसका तर्जुमा यह है ए तो बेशक माफ़ करने वाला है और पसंद करता है माफ़ करने को पस माफ़ फरमा दे से भी फ़ायदा नहायत जाम दुआ है कि हक तला अपने लुफ्फ करम से आखिरत के मुतालबा से माफ़ फरमा दें तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए हजरत सफियान सूर्य रमत कहते हैं कि इस रात में दुआ के साथ मशगूल होना ज़्यादा बेहतर है बनस्बत दूसरी इबादत के इब्न रजब रहत कहते हैं कि सिर्फ दुआ नहीं बल्कि मुख्तलफ़ इबादत में जमा करना अफजल है मसलन तिलावत नमाज दुआ और मुराकबा वगैरह इसलिए कि नबी करीम वसल्लम से ये उमूर ये सब उमूर मनकूल हैं यही कौल ज़्यादा अकररब है कि सबका अदीस में जिक्र वग़ैरह की कई चीज़ों की फजीलत गुज़र चुकी है तो मेरे भाईओ अल्लाह से दुआ है कि इन तमाम अहदी पर मुझे आपको सारे मुसलमानों को अल्ला जले जल्म करने की तोफ़ी कदाफरमाएँ दूसरी फसल ख़त्म हुई इन शल तीसरी फसल शुरू होगी कल तीसरी फसल है फजाल अहतिकाफ़ की उसकी पहली हदीस इनशाला बयान की जाएगी तो आप सबसे गुजारिश है कि इन कीमती अवकात में से ये पाँच छः मिनट सात मिनट दस मिनट तक वीडियो होती है इसके लिए अपना वक्त निकालें और फजाइल की वीडियो देखें क्योंकि फजाइल के हदीस सुनने से फजाइल का शौक़ पैदा होता है अमल का शौक़ पैदा होता है कि किस अमल किस चीज़ पर क्या अजर मिलेगा उससे इंसान हरीस है फिर इंसान अमल करने की कोशिश करता है तो अल्लाह जल जलालू से दुआ है कि अल्लाह जल जलाू मुझे आपको और सारे मुसलमानों को सौ फीसद अमल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए और सारे दुनिया के सारे इंसानों तक पहुँचाने की तोफ़ी अता फ़रमाए तो मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी इस्तेमत नसीब फरमाए अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ अल्लाह जल जलू आप सबको अपने अफजोमान में रखिए अपना ख्याल रखिएगा असलकुम वरहल वबरकू